अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल NTS FPSC में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जो मेरी वीडियो है वो मेरी वीडियो का टॉपिक है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन NTS FPSC और तमाम भी जो जॉब के टेस्ट होते हैं उनमें जो मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वेश्चंस ट्रेंस की जो प्रॉब्लम होती है उन पे ज़रूर आते हैं। तो सबसे पहले तो इनके अंदर जो फार्मूलेज हैं वो आप देख लें, ये फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 है। उसके बाद ये नरेशन लिखी हुई यानी कि ये सपोज कर सकते हैं, ये आप मैं इसको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है मैं ये पेज आपको वो कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं इसमें 10 फार्मूलाज लिखे गए हैं। 9th है और इसके बाद ये आखिरी फार्मूला जो सा है वो लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं ये तमाम फार्मूलेज हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो पसंद आई, तो आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर क्लिक करें, और जो बेल का आइकन बटन है उसको भी क्लिक करें ताकि वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको पर वक्त मिल सके। चलो तो शुरू करते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, हमें क्वेश्चंस को जो सोल्व करने हैं उसकी तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 है स्कीम टॉपिक, हम आपको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पढ़े, उसने कहा कि ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिस अ पोल इन 9 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी कि एक ट्रेन जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी कि पोल को क्रॉस कर रही है 9 सेकेंड में, तो उसकी जो लेंथ ट्रेन की वो कितनी होगी। हमने ट्रेन की लेंथ बतानी है कि वो कितने मीटर्स में है। अब हमने सवाल मीटर में बताना, वो जब आपने फार्मूलेज देखे हैं उनमें जो फार्मूला आपने देखा कि उसके अंदर उन्होंने बताया कि ट्रेन की जो लेंथ है उसको हम किस तरह यानी कि अगर मीटर पर सेकंड में है तो उसको किस तरह कन्वर्जन करेंगे पर आर में, अगर पर आर किलोमीटर पर आर में है तो हमने उसको मीटर पर सेकंड में, अगर ये मीटर्स में पूछा है उन्हें सेकंड्स दिया था हमने उसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है। अगर क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड दिया गया और हमने उसको किलोमीटर पर आवर में तब्दील करना, तो उसका भी फार्मूला है। तो चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो किस तरह सॉल्व होगा। अब देखें, उन्होंने कहा है कि जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसका जो फार्मूला है वो देखें, 60 डिवाइडेड बाय जो फार्मूला है वो है 5/18। ये फार्मूला है मीटर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। अगर हमने इसको वाइस वर्सा यानी उल्ट करना है, यानी कि अगर हमें मीटर पर सेकंड दिया गया हो तो हमें किलोमीटर पर आर को करना है, तो उसका फार्मूला होता है, मैं ये बताता हूँ, उसका फार्मूला होता है 18/5। ये फार्मूला होता है यानी कि किलोमीटर पर आर में तब्दील करना है हमने से, किलोमीटर पर आर, तो ये मीटर पर सेकेंड में है। तो करते हैं इसको सॉल्व। अब ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हुआ, ये इसको किया क्रॉस लगाए तो इसको किया ये 3 पे, यानी कि हम इसको 9 पे, ये इसको 3 पे करें यानी कि इसको क्रॉस करना है 6 पे कर लें, 6 पे किया तो ये आ गया 3 और ये आ गया 10, 6 से क्रॉस यानी कि काटा, तो इसके बाद ये आ गया 50 आ गया और डिवाइड बाय 3 आ गया। अब ये उसने कहा कि 9 सेकेंड्स में वो कर रहा है, हमने सेकेंड पर सेकेंड में इसको ले आए हैं यानी कि वो 60 को, तो अब इसको 9 से डिवाइड किया, अब ये कट गया 3 से, तो अब ये 150 मीटर आ गया, ये मीटर पर सेकेंड हमने किया था। तो ये कौन सी ऑप्शन है इसमें, ए 125 मीटर्स है, 180 मीटर्स है, 364 मीटर, 150 मीटर्स, तो हमारा डी जो आंसर है वो है करेक्ट, क्वेश्चन में डी करेक्ट आंसर है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 में अब उसने कहा क्या कहा है देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसका मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा एक ट्रेन जो सी है वो 125 मीटर लॉन्ग है, लॉन्ग पासिस अ मैन,
are running at a 5 kilometer per hour in the same direction in which train is going in 10 seconds. The speed of the train is, उसने कहा कि 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस सेम डायरेक्शन में जा रही है और 10 सेकंड्स में वो यानी कि जैसे गई तो उसकी जो स्पीड ट्रेन की है वो हमने मालूम करनी है. अब देखें 125 मीटर पर सेकंड में दिया गया है, एम एस ओवर 10 किया ना, यही 5 से कट रहा है तो ये हो गया 25/2. अब इसको हमने इसमें ये शॉर्ट फॉर्म आ गई इसकी, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है. ये है मीटर पर सेकंड में डाटा, हमने इसको करना है किलोमीटर पर आवर. तो इसका जो फार्मूला हमने बताया था 18/5, ये हमने करना है यूज. अब ये 5 और कट गया इससे, अब ये इससे कट गया, ये 9, ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर. अब ये आ गया, अब उसने जो कहा था रनिंग 5 किलोमीटर इन द सेम, ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 45 + 5 ये 50 किलोमीटर पर आवर. तो इसका जो करेक्ट आंसर आना है ना क्वेश्चन का वो है डी, यानी कि बी है 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर जो हमने कैलकुलेट किया ना ये इसका करेक्ट आंसर है. और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, उसने कहा है कि जो एक ट्रेन है उसको यानी कि ब्रिज से वो विच द लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज हमने करनी है. विच ट्रेन 130 मीटर की ट्रेन लॉन्ग है और ट्रैवलिंग कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम उसका है ना वो है 30 सेकंड्स. सबसे पहले तो हमने जो उनसे उसकी ट्रैवलिंग है इसको मीटर पर सेकंड में ले आएंगे. इसको मीटर पर सेकंड में लेके आने का तरीका होगा यही जो हमने किया, ये किलोमीटर पर आवर में है. यानी कि हम देखें ये अब हमने इसको इधर से किया है, ये हो गया है 45, ये है किलोमीटर पर आवर में डाटा, हमने करना है एम आई मीटर पर सेकंड में. तो इसका जो फार्मूला वो है 5/18, ये है फार्मूला. अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 9 से, ये 2 से कर यानी कि इसको हमने किया 9 से तो ये आ गया 2 और ये आ गया 5, तो ये 25/2 ये मीटर पर सेकंड यानी कि डाटा आ गया. अब उसने कहा कि जो 30 सेकंड्स यानी कि है उसका जो क्रॉस करती है वो है 30 सेकंड्स. अब 30 सेकंड्स को हमने यानी कि वो ये इक्वल है 25/2 ये है. अब हमने इसको यानी कि टाइम 30 सेकंड है, इसको हमने कैलकुलेट करना है. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो ये आ गया यानी 130 वो है 130 प्लस एक्स डिवाइड बाय 30 25/2. अब ये जब आ गया ये जब इसको ज़रब क्रॉस ज़रब किया तो ये 30 25 750 हो गया और ये इसको इधर जाके ये हो गया 260 + 2x. अब ये आ गया, अब ये 260 को इधर जाके माइनस किया, 260 को माइनस कर दिया और ये 2x डिवाइड आ जाएगा, ये आ गया 492. तो x जो इक्वल आया वो आया 245 के इक्वल आ गया. तो अब हमारा इसमें जो 245 इसमें क्या है, तो हमारा जब हम आंसर देखते हैं 245 तो ये हमारा जो आंसर है वो है सी. सी इसमें जो करेक्ट आंसर है. उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर करें. ये हमारे आपके लिए फेडरल पब्लिक सर्विस की जो सीनियर एडिटर की जॉब्स आई हुई हैं उसमें भी हेल्पफुल होगा और जो कस्टम इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर्स की जो FPR डिपार्टमेंट में आई हुई हैं उनके लिए भी मैथ में ये पोर्शन सवाल इस तरह के यानी कि क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, एक दो सवाल आएंगे. इसके बाद मैं दूसरा टाइम वर्क और तमाम की वीडियोस मैं आपके लेके आऊँगा, इसका भी पार्ट टू मैं लेके आऊँगा. इसमें आपको दूसरे यानी कि इससे कम्प्लेक्स जो होंगी वो मैं आपको बताऊँगा. देखने में तो ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लग रही हैं लेकिन इनको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.
Please like, comment and share and subscribe my channel for more videos.